24 में मोदी सरकार आएगा ना? आएगा? आएगा, आप भी वोट दीजिएगा? हाँ बिल्कुल देंगे। तो 2014 से 24 तक मोदी जी क्या किए बताइए काम? उतना पढ़े लिखा नहीं हुआ फिर आप रुके 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 मोदी जी के भक्ति करते हैं? मोदी जी के भक्ति भक्ति नहीं करते तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? खाली उनका नियम कानून का पालन करते हैं। मोदी जी का नियम कानून क्या है? सही ढंग से कमा खा जियो। अच्छा एक बात बताइए, आपका बेटा क्या करता है? वस्त्रालय में रहते हैं। वस्त्रालय में रहते हैं, कपड़ा दुकान में। तो मोदी के सरकार में जब इतना बढ़िया हुआ तो कपड़ा दुकान में कहाँ रह रहा है? पढ़ लिख कहाँ रह रहा है? नौकरी कहाँ लिया? पैसा नहीं है पढ़ने के लिए? पैसा पढ़ने के लिए पैसा नहीं, नौकरी के लिए पैसा। बिना घूस का कोई काम ही नहीं होता। देखिए ताली बजाइए, ताली रुके 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 रुके। देखिए अभी ये कह रहे थे कि 2024 में मोदी आए, और अभी कह रहे थे कि मोदी सरकार में नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता है। मोदी से देना पड़ता है तो फिर मोदी को मोदी सरकार में पैसा डिपार्टमेंट देना पड़ता है। तो अभी तो सरकार मोदी का है, तो मोदी भ्रष्टाचार काहे नहीं खत्म किया? नीतीश बिहार में नीतीश का ना है। अच्छा एक बात बताइए, बेटा खटता है कपड़ा दुकान में, आप ठाकुर का काम करते हैं, मोदी कुछ दिया नहीं, आपको क्या फायदा हुआ मोदी से? नहीं हुआ, शांति से हैं। शांति से हैं? कैसे शांति से हैं? जी खा रहे हैं। जी खा रहे हैं? पहले कोई भगा दिया था आपको? भगा नहीं, तो भगाने की कोशिश हो रहा था। हो रहा? जमींदारी ठाठ हो रहा था। जमींदारी ठाठ हो रहा था? कब? आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले? अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो अपराधियों पर लगाम लगाई है, लेकिन आप बात करते हैं मोदी का, तो मोदी का पास को काम बताइए। काम कुछ बताए उनको हम सब तो ठीक करें। पाकिस्तान में छोड़ा क्या, क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जाकर के चढ़ाई किए, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? हमारा मोदी जी कैसे चढ़ाई कर रहे हैं? सब के लिए। मोदी जी लाठी लेके गए थे? नहीं। लाठी लेके गए थे जी? नहीं। लाठी लेके गए थे मोदी जी? नहीं। लाठी लेके गए थे? नहीं। मोदी जी कहाँ चढ़ाई किया पाकिस्तान पर? भाई हमें ज्यादा ना, आप रुकिए, रुकिए रुकिए, आप एक आप एक मिनट, आप बात कर रहे हैं मोदी की 2024 में आना चाहिए, तो मोदी का फायदा किया गरीबों के लिए? सब कुछ दिया, मतलब कि बीपीएल में सब कॉलोनी तोनी सब दवा रहे हैं। आपको मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। ताली बजाइए इनके लिए। मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी सरकार में इनको कॉलोनी नहीं मिला, इनका बेटा के नौकरी नहीं लगा, और नौकरी लगता है तो क्या चाहिए नौकरी के लिए? कोई भी डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए। तो घूस चाहिए? क्या चाहिए? हम कहाँ से देंगे घूस, पैसे नहीं तो। घूस? अच्छा घूस लगता है? घूस लगता है? लगता नहीं है। तो मोदी सरकार है तो घूस काहे लगता है? और क्या पता काहे लगता है, तो ये मोदी बढ़िया है? हाँ तभी बढ़िया है। ये है अंधभक्ति। अगर अंधभक्ति का परिभाषा दिया जाए तो यही है। भाई साहब खुद जो है वो ठाकुर का काम करते हैं, बेटा इनका वस्त्रालय में है, और नौकरी की बात जब आती है तो कहते हैं कि जो विभाग को घूस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? घूस लगता है, हमारा नहीं देना पड़ता है, लोग कहता है घूस लगता है, लोग कहता है। तो मोदी क्या सुधार किया? घूस लगिए रहा है, पढ़ाई होइए न रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया है ये न है, तो मोदी सुधार क्या किया? आप लोग देखिए ना क्या कर रहे हैं इससे। आप गरीब हैं कि नहीं? गरीब है नहीं। अभी देखिए सब्जी लग जा रहे खाने के लिए। हाँ कैसे सब्जी दिया? सब्जी दिया 20 रुपये 30 रुपये। महंगा है कि सस्ता है? अभी तो सस्ता, कल तो ज्यादा महंगा था, जितने 170। हाँ तो कुछ सस्ता। मोदी के सरकार में क्या क्या बढ़िया हुआ बताइए ना। उतना हम पढ़ा लिखा नहीं है भैया, तब आप ये कह, अच्छा आप पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे कह रहे थे कि मोदी को वोट देंगे, मोदी बढ़िया है? लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग के सारे हम लोग चलते हैं। हाँ कि मोदी बढ़िया है, लेकिन आप अपना फायदा देखिएगा तब ना। तो फायदा अभी तो नजर नहीं आया है। नहीं नहीं नजर आ रहा है, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मोदी बढ़िया है? ओहो छोड़ा, अब छोड़वा हमरा छोड़ दें। ठीक है जाइए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कह रहे थे मोदी बढ़िया है, क्या लगता है? खराब है। कैसे? बेसे कैसे? बेसे आप कैसे? कैसे खराब बताइए ना, क्या किया आपको, क्या नुकसान दिया? अच्छा दिन आया बोला था, अच्छा दिन आवेले। हाँ। बिल्कुल खराब दिन आया। अभी कह रहे हैं कि मोदी बढ़िया है, अरे तो आप भी कहिएगा बढ़िया है, आप भी कहिएगा हम क्या कहेंगे बढ़िया है, कहे न कहिएगा जो कह रहा है बढ़िया, तो अभी हम कैसे बढ़िया कहें? हम तो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। हम तो बोल रहे हैं क्या कि अच्छा दिन आवेगा। अच्छा दिन आवे, मोदी क्या बोला था? अच्छा दिन आया। तो क्या हुआ? अच्छा दिन आया। हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो हमरो काहे नहीं पता है आपको? काहे नहीं पता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरा काम है सवाल करना, बताइए ना। तो हम तो बतला रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। गलत है ना? हाँ। तो ये लोग जो लगातार कहते हैं कि मोदी बढ़िया मोदी बढ़िया, उसको कोई नहीं कहता, ये आप कहते हैं, हम कहते हैं। हाँ अभी सामने कह रहे थे, हमारे सामने बुलवाइए। अभी सामने तो बोला, हमारे सामने बुलवाइए। देवीलाल जी कहाँ गए जी? बुलवाइए हमारे। अभी बीजेपी के इधर 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 आइए, अभी बुलवा रहे हैं आपको। रुकिए 100 में 1 होगा, अभी ठंडाई कर देंगे, 10% अभी आपको ठंडा कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि मोदी खराब है, जवाब दीजिए इनको। देखिए बेचारा, अगर इनकी सही चीज को देखिए, एक बात जान लीजिए,
ऐसा पहले भी मैनिफेस्टो में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लगातार एक ही बात को बार बार सुनेगा तो वही बात बोलने लगेगा। तो लगातार एक ही बात सुन रहा है। जब वहाँ जिस महफिल में होंगे उनका उसी तरह से लोग मोदी का प्रोपेगेंडा इनको बतलाता होगा कि ऐसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़, वो दिमाग में बैठा हुआ है। अब उनको निकालने के लिए कोई जादू मंत्र का छड़ी नहीं है कि निकाल दिया जाएगा। किसी भी चीज को जानने के लिए अभी एक बात बतलाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसका चिंतन उस ढंग का, जिस ढंग का चिंतन होता है, जैसे अभी हमारे बहुत से सारे लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कोई व्यक्ति डालता है पैसा, वो दिन भर अलर बलर के टाइम में काट देता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे अच्छे अच्छे चीज को उसको निकालते हैं उसको। अच्छा, आप थोड़ी बात नहीं घुमाए, हम पहले सुनिए सर, इनका सवाल था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन क्यों, क्या पूछे, सवाल पूछे भाई नेता सर, रुकिए, ये पूछ रहे हैं तो पूछिए ना, आप पूछिए, हम पूछेंगे, आप उनसे भी, आपका भी अधिकार है, मेरा हमसे पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछे कि अच्छा दिन आया कि खराब दिन आया। अच्छा दिन आया कि खराब दिन आया? बिल्कुल अच्छा दिन आया है, हमारे लिए खराब है कभी नहीं था। आज के अगर पुरानी बातों को उठा कर देखे तो इससे अच्छा क्या था, इससे अच्छा क्या था, बहुत चीज अच्छा था। जैसे जितना महंगाई हुआ, जितना जनता को लाइन में लगा दिया, तो उसी में रुपया बंदी में उसमें कितना मर गया, आप जान रहे कि नहीं? बिल्कुल मरा है ना, बोलिए ना, बोलिए ना, मुड़ी नहीं धोनी है, अरे वो सब गलत बात, आप सुनिए, आप थेथरलॉजी वाला काम मत कीजिए, आपको जो तकलीफ है कहिए, आपसे हम जो आप हमसे पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप मुड़ी नहीं धोनी, आप भी बोलिए, हम क्या बोलेंगे, मेरा काम है सवाल करना, आप जनता से पूछिए, भाजपा के नेता से पूछिए, आपसे हमसे जवाब ले लीजिए, भैया नहीं जानते हैं, हम बतला देते हैं, आजादी से पहले सभी लोग, आई तो बच्चे लोग हैं नहीं जानते, लेकिन हमारे भैया जानते होंगे, हमारे चाचा जी जानते होंगे कि आजादी के समय से हमारे चांदी के सिक्का चलता था। चांदी का सिक्का टोटल कहाँ चला गया बताइए, पीतल का टिक टिक पैसा कहाँ चला गया, हमारे आपका समझ लीजिए, अगर नहीं जानते हैं, तीन बार अभी तो दो ही बार में कमर ठीक करे हैं, पांच बार जाते जाते पूरा पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा दिन कैसा होता है, देखिए बिल्कुल सही बता रहे हैं।